वन और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर संत समाज की ओर से अब मैदान में समाज उतर आया है, जहां हरेला की शुरुआत से पूर्व संतों ने सोमवार को नील पर्वत पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया। संतों ने नील पर्वतमाला पर स्थित अंजनी देवी मंदिर प्रांगण में नीम, पीपल, बर्ड सहित विभिन्न प्रजाति के फलदार पौधे रोपित किए, जहां पे संतों की इस मुहिम में स्थानीय वन महकमे के वन्यकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हट योगी ने कहा कि विकास की आड़ में पर्यावरण का हास हुआ है, सभी को इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रसन्नता का विषय है, हम बहुत बड़े गदगद हैं, इतने आनंदित हैं कि बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं, क्या बोलें। इस हरेला पर्व के शुभ अवसर पर अंजना माता मंदिर के परमाध्यक्ष महंत सतीश गिर जी महाराज और बाबा हटयोगी जी महाराज, जो हमारे संतों के गौरव हैं, संतों के भीष्म पितामह हैं, और सभी के संरक्षण में, उनके सानिध्य में ये पौधारोपण का जो प्रोग्राम हो रहा जा रहा है, ये बहुत आनंदित, बड़े आनंद के विषय है। इसका भविष्य में बड़ा लाभ होगा और प्राण वायु, ऑक्सीजन मिलेगा सभी को। आज हम जो है इस नील पर्वत पर माता अंजनी देवी मंदिर के परिसर में पौधारोपण का कार्य करने जा रहे हैं। आज शुरुआत कर दी हमने और ये चलता रहेगा निरंतर। और आज संतों द्वारा, मंदिर समिति द्वारा, वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। आज के युग में पर्यावरण से पूरा